हमारे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, आइए बात करते हैं उनसे। सर, आज आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा मकसद ये था कि जनता की बात हम तक पहुंचे और हमारी बात जनता तक पहुंचे, क्योंकि ज़्यादातर दल क्या करते हैं कि चुनाव से हफ्ता 10 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। उनका मकसद जनता को बताना नहीं होता, जनता को अपने इश्यूज मुद्दों के ऊपर वोट लेना नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक खाना पूरी करना होती है, रस्मी काम करना होता है। हम वो काम नहीं कर रहे। ये पहली पार्टी है भारत की कि जो चुनाव से 8 महीने पहले हमने मैनिफेस्टो तैयार करना शुरू कर दिया और चुनाव से 4 महीने पहले अपने 22 मुद्दों के साथ हम आएंगे। और आप देखें, आपको जो ऐसा कि हमने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे सारे मुद्दे आउट ऑफ बॉक्स हैं, वो नहीं है जो लगे बंधे लोग बात करते हैं। हमने हर मुद्दे पर गहराई से सोचा है और उसके प्लान किया है कि कैसे उस पर अमल करेंगे। और हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। एक तरफ किसानों के मुद्दे हैं, दूसरा समाज को बदलने के मुद्दे हैं। पुलिस में रिफॉर्म जब तक नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी। और उत्तर प्रदेश की बर्बादी की एक बड़ी वजह है पुलिस का जो पूरा सिस्टम है तितर बितर हो गया है, उसमें बिखराव आ गया है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है। रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं और पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं, तो उनका भी कसूर नहीं है। हम उनके मुद्दे को भी उनके एंगल से देखते हैं। दूसरे, उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा के मैदान में केरला से बहुत पीछे हो गया, कर्नाटक से बहुत पीछे हो गया, तो शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी शिक्षा भी लाएं, हिंदी को भी हम जिंदा रखें, हिंदी को भी प्रिजर्व करें, लेकिन उसके साथ साथ हमने पैरेलल शिक्षा का कार्यक्रम बनाया है कि एक पटरी के एक जो पहिया होगा वो हमारा अंग्रेजी होगी, एक हमारी हिंदी भाषा होगी और दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे। साथ साइंटिफिक एजुकेशन जो है, साइंस की एजुकेशन, उस पर कैसे हम ध्यान देंगे। तीसरी बात यह है कि आज आपने कर तो दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, लेकिन गरीब बच्चा जो 80% बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गरीब का बच्चा जो पहले ही पिछड़ा हुआ था और पिछड़ गया, गाँव का बच्चा जो पहले पिछड़ा हुआ था और पिछड़ गया। तो हमने ये प्लान रखा है, जैन जी ने ये सामने रखा है कि हम पूरे हर स्कूल कॉलेज के अंदर फ्री वाईफाई होगा, उनको ऑनलाइन लाइब्रेरी उनके पास होगी, किताबें वो ऑनलाइन इसके ऊपर ले सकेंगे। उसके लिए हम प्लान तैयार हमने रख किया है कि किस तरह से होगा। इस तरह महिलाओं की रक्षा के लिए पुलिस के अंदर जो नई भर्तियां होंगी वो 50% उसमें महिलाओं की भर्तियां होंगी। और किसानों का तो है ही मसला, जो जिसको कि हम किसानों की सबसे बड़ी पार्टी इस देश में पिछले, मैं समझता हूँ, 70 साल से चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से अगर कोई पार्टी है जिसने हमेशा किसानों का मुद्दा लिया। बाकी तो अब जब किसानों की लाठी चली और किसान का दुख सामने आया, उसकी पीड़ा सामने आई है, तो बाकी दल बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बोलते ही हमेशा किसान के लिए हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद।